नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताज़ा खबरें। बीदर एसपी डेका किशोर बाबू, आईपीएस का तबादला, उनकी जगह चन्नबसवना लंगोटी, आईपीएस संभालेंगे बीदर एसपी का चार्ज। बीदर दक्षिणा विधानसभा क्षेत्र निरना गांव में आयोजित कांग्रेस पार्टी के लिए शामिल होने का कार्यक्रम। बेंगलुरु, 3 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या, आरोपी ने नशे में वारदात को दिया अंजाम। पेशावर ब्लास्ट पर बोले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, भारत में श्रद्धालुओं पर कभी नहीं होते ऐसे हमले। पीएम मोदी ने धनबाद घटना पर जताया शोक, मुआवजे का किया ऐलान। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट आज होगा पेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फरवरी में पश्चिम बंगाल दौरे पर होंगे, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना है एजेंडा। महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान, महिला सम्मान बचत पत्र योजना होगी शुरू, ज्यादा मिलेगा ब्याज। डिजिटल भुगतान लेन देन में 71% और मूल्य में 93% की वृद्धि। जून में प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं अमेरिका की यात्रा। मोरबी पुल हादसे में मुख्य आरोपी जयसुख पटेल ने कोर्ट में किया सरेंडर। भारत में भी प्रार्थना के दौरान पूजा करने वाले नहीं मारे जाते, मस्जिद हमले पर बोले पाकिस्तानी मंत्री। बजट पेश होने के बाद बाजार में उछला सेंसेक्स, 1076 अंक, निफ्टी 264 अंक बढ़ा। सपना चौधरी डांस, उतार सिंह का दुपट्टा, सिर्फ घाघरा चोली में खूब मटका सपना का हलवा शरीर। अमेरिका, अजीत डोभाल ने की जैक सुलिवन से मुलाकात। सुरक्षा बाजारों में क्षमता निर्माण, सेबी डिग्री और सर्टिफिकेट प्रदान कर सकेगा। बजट 2023-24, इलेक्ट्रिकल वाहन, खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे, सिगरेट महंगी होगी। बजट का प्रचार करने के लिए बीजेपी का आज से 12 दिन का कैंपेन। नेपाल से गोरखनाथ मंदिर पहुंचे शालिग्राम शिला, अब अयोध्या के लिए होंगी रवाना। पाकिस्तान नौका दुर्घटना में मरने वालों की संख्या हुई 51। शुरुआती कारोबार में अमेरिका डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसा मजबूत हुआ। बजट 2023-24 कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा, सीतारमण। गौतम अडानी को पछाड़कर मुकेश अंबानी बने भारत से अमीर शख्स, देखे दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट। तमिलनाडु के मदुरई में हिंदुवादी नेता की बहरेनी से हत्या, भीड़ ने घेर कर दिया कतल। इनकम टैक्स भरने वालों की लगी लॉटरी, वित्त मंत्री ने बजट में बदल दिया टैक्स लैग, अब नहीं देना होगा टैक्स। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना अगला राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे। केपी एक्सप्रेस में आज इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।